हेलो एंड वेलकम टू नौकरी स्टडी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टडी में। झारखंड में सरकारी बीएड कॉलेज को मान्यता नहीं है, 98 छात्रों का वही आधार में है। झारखंड के रांची में जो कांके में गवर्नमेंट बीएड कॉलेज है उसकी बातें कर की जा रही है यहाँ पे, और इस बार तो उसको काउंसलिंग में भी शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि पिछले बार के जो लोग एडमिशन लिए हैं सत्र 2020-22 में, उनके 98 विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर पिछले एक साल से चिंतित हैं। एनसीटी से मान्यता नहीं रहने के बावजूद झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा इन विद्यार्थियों का नामांकन लिया गया। अब जब परीक्षा देने की बारी आई है तो रांची विश्वविद्यालय ने मान्यता नहीं होने के कारण परीक्षा लेने से इनकार कर दिया है। मान्यता नहीं रहने से इन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति से भी वंचित रहना पड़ा। विद्यार्थी जब मान्यता को लेकर उच्च शिक्षा विभाग पहुंचे तो उन्होंने बताया गया कि मान्यता के लिए एनसीटीई को पत्र भेजा गया है, लेकिन लगभग एक साल बाद भी मान्यता नहीं मिली। मान्यता नहीं रहने के कारण झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सत्र 2021 के नामांकन में इस कॉलेज को शामिल नहीं किया गया। बीएड कॉलेज का संचालन फिलहाल माध्यमिक शिक्षा निदेशालय व उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा हो रहा है। विद्यार्थी कभी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय तो कभी उच्च शिक्षा निदेशालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन समस्या नहीं सुलझ रही है। एनसीटीई प्रावधान के अनुपालन में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की कमी भी पूरी करनी है। नियमानुसार कॉलेज में 8 शिक्षक और 6 कर्मचारियों की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति की जानी है, लेकिन अब तक यह भी संभव नहीं हुआ है। विद्यार्थी किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं।